आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि व्रत में खाए जाने वाली बहुत ही टेस्टी और आसान नाश्ते की रेसिपी। साथ में एक हेल्दी ड्रिंक भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं रेसिपी, नवरात्रि व्रत की रेसिपी। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब साबूदाना। तो इस साबूदाने को डाल देंगे एक बोल में और साथ में 1 कप ही पानी लेंगे। बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में हमें दोनों चीज़ें लेनी है। और ये मैंने साबूदाने में पानी डाल दिया, अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद इसे सोख होने के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे कि ये बहुत अच्छे से सोख हो जाएगा। तब तक हम बाकी तैयारियां करते हैं और अब बना लेते हैं धनिया की चटनी। तो यहाँ पर मैंने लिया है काफ़ी सारा धनिया, साथ में जो इसकी डंठल होती है ये भी ले लिया है। इसके साथ यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है 3, जीरा का पाउडर लिया है, सेंधा नमक लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है दही। तो सभी चीज़ों को डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। तो यहाँ पर मैं ग्राइंडिंग जार में सभी चीज़ों को डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ये चटनी हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर लहसुन वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। इतनी ही चीज़ें डालेंगे जितनी यहाँ पर मैंने रखी है। साथ में जाएगा ये हरी मिर्च। इसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें ये दही, तो 4 से 5 चम्मच ये दही है। साथ में इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी 2 से 3 चम्मच, जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच। इसके साथ इसमें डाल देंगे नमक, तो यहाँ पर ये सेंधा नमक मैं डाल रही हूँ। साथ स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे और इसे कर लेते हैं ग्राइंड। तैयार हो गई है हमारी ये चटनी, इसे निकालते हैं एक बोल में। यहाँ पर ये चटनी मैं निकाल लेती हूँ। चटनी यहाँ पर तैयार हो गई है और हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार होने वाली है। साबूदाने को यहाँ पर भिगो के रखे हुए मुझे 3 से 4 घंटे हो गए हैं और ये जो साबूदाना है बहुत अच्छे से फूल गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना लिया था और 1 कप ही पानी, उसके अनुसार यहाँ पर मैंने इसे भिगोया है। और ये देखिए आराम से ये दब जा रहा है, ऐसा हो जाना चाहिए सोख होने के बाद साबूदाना हमारा। ये देखिए मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो आराम से दब जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसे दबाएं और प्रेस ना हो। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से साबूदाने सोख होने चाहिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बॉयल आलू। तो यहाँ पर 2 आलू मैंने ग्रेट करके लिए हैं, तो 2 बड़े आलू थे, ये इसमें डाल देते हैं। आलू के साथ साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और इसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर, तो 1/2 चम्मच यहाँ पर ये भुने जीरे का पाउडर डाल रही हूँ मैं। साथ में डाल लेंगे नमक, तो यहाँ पर ये सेंधा नमक मैं यूज़ कर रही हूँ इसे बनाने के लिए। इसके बाद मैं इसमें और भी कुछ नहीं डालने वाली हूँ। आप अगर लाल मिर्च का पाउडर खाते हैं, लाल मिर्च खाते हैं तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, केवल हरी मिर्च से ही नाश्ता बनाऊंगी। बस इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर ये पूरा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसके बाद हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे, तो यहाँ पर मैंने इसमें घी लगा लिया है और इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। तो बहुत ही आराम से एक बार में ही परफेक्ट बनेंगी अगर आप सेम ट्रिक से बनाएंगे जैसे मैं बना रही हूँ। और इसे प्रेस कर देंगे तो जितना पतला मोटा चाहे वैसा कर सकते हैं। आप चाहें तो एक प्लास्टिक लेके इसे बीच में डाल के इसे हल्का सा बेलन से बेल भी सकते हैं, जिससे कि और भी पतला हो जाएगा, लेकिन मैं इसे हाथ से ही बना रही हूँ। तो देखिए बहुत ज़्यादा मैंने मोटा नहीं रखा है, इतना ही रखा है। तो इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा भी तैयार कर लिया है हथेलियों के हल्से से। हम प्रेस कर देंगे बिल्कुल टिक्की जैसा, मोटा नहीं रखेंगे इसे, इस तरीके का हमें इसे पतला रखना है, जिससे कि जल्दी से सिक भी जाए और थोड़ा क्रिस्पी भी बने। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं सभी को तैयार कर लेती हूँ। इसको बनाने के साथ साथ गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है थोड़ा सा घी डाल के, जिससे कि इसमें हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो ये चौथा भी बन गया। और इस तरीके से मैंने साबूदाने की कुछ टिक्कियां बना के तैयार कर ली है और बचे हुए मिक्सचर से इसी तरीके का बना लेंगे। और अभी इन्हें करते हैं शैलो फ्राई। और यहाँ पर पैन हो गया है गर्म और जिसमें हमने घी डाला था वो भी मीडियम गर्म हो गया है। और इसके बाद एक एक करके जो हमने ये साबूदाने की टिक्कियां बनाई है ये डाल देंगे। और बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है, फिर इसे हम पलट कर भी सेकेंगे। और यहाँ पर जो ये नाश्ता है ये सेक गया है, तो इसमें पलट लेती हूँ। यहाँ पर जो ये हमारा नाश्ता है दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी सेक गया है, तो इसी तरीके से बाकी सारे भी सेक लेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया सा दिख भी रहा है, देखिए। तो मैं इसे पैन से निकाल लेती हूँ और बाकी सारे बचे हुए ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे क्रिस्पी हुए हैं दोनों तरफ से, बस इतना ही इसे पकाना है इसे।
तो यहाँ पर तैयार है हमारा ये व्रत वाला नाश्ता। और इसके साथ ये धनिया की चटनी, तो व्रत में ज़रूर बनाएं इस तरीके से ये नाश्ता। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे से दोनों तरफ से सिके हैं। इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा इसलिए बहुत अच्छे से सिक भी गए हैं। ज़्यादा मोटा रहेगा तो अंदर से थोड़ा थोड़ा ये गीला गीला सा रहेगा, इस तरीके से अगर हम सेकते हैं तो ये गीला नहीं रहेगा, क्रिस्पी रहेगा। और ये देखिए आवाज़ सुन पा रहे हैं आप क्योंकि कितनी क्रिस्पी है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरीके से ये नाश्ता। और अब देख लेते हैं नवरात्रि व्रत की दूसरी रेसिपी, और ये एक एनर्जी ड्रिंक है जो कि दिन भर बहुत ही एनर्जी देगा, तो जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल इस तरीके से आप ट्राई कीजिए, देख लेते हैं रेसिपी। ड्राईफ्रूट मिल्कशेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 8 से 10 मखाने, 8 से 10 बादाम, 2 अंजीर लिए हैं मैंने, 6 से 7 काजू लिए हैं, कुछ यहाँ पर मैंने अखरोट लिए हैं, तो 2 अखरोट यहाँ पर ले लिए हैं मैंने, टुकड़े लिए हैं तो आप 2 ले सकते हैं, 7 से 8 यहाँ पर पिस्ता ले लिए हैं मैंने, और यहाँ पर मैंने ये 5 मुनक्के लिए हैं, किशमिश ली है, 2 छुआड़े लिए हैं और 2 ही हरी वाली इलायची ली है। तो इन सभी ड्राई फ्रूट को डाल देंगे एक बड़े बोल में, यहाँ पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं और स्किप कर सकते हैं। तो बोल में डाल देने के बाद इसमें डाल रही हूँ मैं गर्म पानी, जिसे कि हम इसे बहुत अच्छे से धो लेंगे, और 2 बार हम इसे गर्म पानी से धोएंगे। ये मैंने अच्छे से मिला दिया है और अब इसका मैं पानी निकाल देती हूँ, पानी निकाल लेते हैं। पानी निकालने के बाद फिर से एक बार हम गर्म पानी से धो लेंगे। गर्म पानी से धोने से इसमें जो गंदगी होती है सारी अच्छे से साफ हो जाती है, क्योंकि इसे हमें पकाना नहीं है इसलिए हमें इस तरीके से इसे अच्छे से साफ कर लेना है। निकाल दिया है 2 बार पानी, अब इसमें हम डाल देंगे पानी, नॉर्मल पानी डाल देंगे और इसे रख देंगे रात भर के लिए ढककर। तो इतना पानी डालना है कि ड्राई फ्रूट अच्छे से डूब जाए, और इसे मैं ढक के रख देती हूँ रात भर के लिए सोख होने के लिए। और अगर आप इस मिल्कशेक को जल्दी बनाना चाहते हैं तो गुनगुने पानी में 2 घंटे के लिए इसे रख सकते हैं, 2 घंटे में भी बहुत अच्छे से ये सोख हो जाता है, बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हो जाता है, तो आप किसी भी तरीके से इसे बना दे सकते हैं। तो मैं इसे ढक के रख देती हूँ। ड्राई फ्रूट को मैंने रात भर रखा था और ये देखिए काफ़ी फूल चुका है, तो अब मैं इसके जो छुआड़े हैं इसकी सीड्स निकाल दूंगी। चाहे तो आप इसे पहले से ही सीड्स निकाल के इसमें सोख करने के लिए डाल सकते हैं, मैं इसको अभी निकाल देती हूँ। और इसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, आप अपनी मनपसंद का कोई भी और ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं, और अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं और इन सभी चीज़ों को डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। तो यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है, और ये जो मैंने बादाम लिए हैं इसके मैं छिलके नहीं हटा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें भी फाइबर होता है, तो बिल्कुल भी इसके छिलके नहीं हटा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो छिलके हटा सकते हैं, मैं इसके छिलके बिना हटाए इसको ग्राइंड करने वाली हूँ। और ये जो पिस्ता लिए हैं इसके भी छिलके हटा सकते हैं, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही इसे ग्राइंड कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें मीठा भी ऐड कर सकते हैं चीनी, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी मीठा का यूज़ नहीं कर रही हूँ। केवल इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब दूध, दूध हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर ठंडा दूध डालना है, गर्म दूध का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। गर्म दूध डालते ही ये जो ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बनेगा फट जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो कभी भी इसमें गर्म दूध का यूज़ ना करें, या तो नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध डालें या फिर ठंडा दूध डालें। तो इसमें मैं 1 कप के करीब नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध डाल रही हूँ, ये मैंने इसमें दूध डाल दिया है, और इसका एक बिल्कुल ही फाइन स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो मैं इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ, और लीजिए फ्रेंड्स मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही आराम से ग्राइंड हो जाता है क्योंकि इसे हमने सोक किया हुआ है, सोक करने से ये ग्राइंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ सा ग्राइंड हो गया है, तो इसी तरीके से इसे ग्राइंड कर लेना है। और मैं इसे निकाल लेती हूँ अब ग्लास में, तो इसकी थिकनेस मैंने इस तरीके की रखी है, आप चाहें तो इसे और भी थिक रख सकते हैं या फिर इसे और भी पतला रख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे पीना चाहते हैं, पतला या ऐसा गाढ़ा सा। तो इसे निकालते हैं ग्लास में, तो यहाँ पर मैं इसे ग्लास में डाल लेती हूँ। ड्राई फ्रूट मिल्कशेक बिल्कुल तैयार है, और इस तरीके से ये व्रत में जरूर ट्राई करें, या फिर आप इसे डेली यूज में भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद इसे सभी को दे सकते हैं, बहुत ही एनर्जी देगा ये। और ये अगर आप दूध में नहीं लेना चाहते तो पानी के साथ भी इसे तैयार कर सकते हैं, पानी के साथ ग्राइंड कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप इसे कैसे लेना चाहते हैं। मीठे का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है मैंने, आप चाहें तो इसमें चीनी भी साथ में ऐड कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। और ये बहुत ही एनर्जी देने वाला ड्रिंक है, तो ज़रूर ट्राई करें, और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि ड्राई फ्रूट मिल्कशेक की रेसिपी आपको कैसी लगी।